शिंकुला है, और राइट से जो ओल्ड रूट था ले का वो जाता है, ये रूट जो है ये पे ले के लिए निकलता है जो मनाली टू ले हाईवे है। बात हम नहीं दिखा पाए आपको, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है खुद भी, क्योंकि कोई भी आगे नहीं किया है। 100 मीटर आगे जाके हमें भी वापस आना पड़ा क्योंकि बाइकें नहीं जा रही थी। सही डिसीजन यही है कि जान है तो जान है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द सागर राइड्स। सो राइट नाउ हम खड़े हैं दारचा पे। कल गाजियाबाद से निकलकर कांडी से फ्यूल अप करवाने के बाद जिस्पा में स्टे किया हमने, और राइट नाउ जो हमारी लोकेशन है वो है कुछ इस प्रकार। लास्ट टाइम जिन जिन ने हमारी सीरीज फॉलो करी थी उन्होंने देखा होगा कि हम शिंकुला पास से वापस लौट गए थे बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन, पूरा ब्लैक आइस था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके मैं लिंक दे देता हूँ, आप वो जाके व्लॉग देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम निकलेंगे लेह के लिए, जहाँ तक भी आज हम कवर कर पाएंगे। फर्स्टली हमारा टारगेट है 12 लाचला। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया है सो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे और उसके बाद जो है 12 लाचला के लिए बढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम इस रास्ते से हम शिंकुला गए थे और बस नहीं पहुंच पाए, वहां से हमें ले के लिए निकलना था। बट इस टाइम हम इस रास्ते से कवर नहीं करेंगे, मनाली टू ले हाईवे जो है उसी से कवर करेंगे। तो चलते हैं आगे, पर ये रास्ता हमारे लिए भी नया है, पहली बार हम ट्रैवल कर रहे हैं इस रास्ते पे। देखते हैं आज कैसा रहता दिन। तो लास्ट टाइम की जो हमारी राइड थी उसमें से हम 3 लोग हैं जो इस बार ये ट्रिप पर भी हैं। एक त्यागी जी हमारे, दूसरे चौहान साहब हैं। तो त्यागी जी कैसा फील कर रहे हो इस राइड के लिए आप? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम हमने सोचा था कि अगर हम शिंकुला नहीं जा पाए तो 12 लाचा वाला रूट करें, राइट, बट वो चीज़ नहीं हो पाई किसी कारण। बिल्कुल बिल्कुल। बट इस बार सोचा है कि इस बार जो प्रॉपरली हम अच्छे से प्लानिंग करके आए हैं, बिल्कुल, तो इस बार हम अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुँचे। तो चौहान साहब, इस बार का रूट मैप हमारा क्या रहेगा? इस बार का हमारा रूट मैप जो है वही नॉर्मल रूट मैप रहने वाला है, मनाली टू लेह हाईवे, जिसमें हमारा 12 लाचला पांग सारचू और उसके आगे हमारा पड़ता है डैबरिंग, इसी वाले रूट को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। और अपना ऑफ रोड का मजा लेंगे। तो इस बार ले पहुंचा दोगे ना हमें? लास्ट टाइम की तरह तो नहीं होगा? अपनी ऑडियंस को हम निराश नहीं करेंगे ना एटलीस्ट? नहीं नहीं, ऑडियंस बैंकों वगैरह दिखा देंगे। तो हमारे साथ 4 लोग और हैं इस ट्रिप पर, सामने ब्रिजा में है वो लोग, तो बहुत एक्साइटेड हैं, आपसे अभी मिलवाते हैं कुछ देर में। ये तो वाकई एक जबरदस्त ऑफ रोड है। फुल पावर। दीज माउंटेन्स आर द रीजंस व्हाई वी आर हियर। तो काफी मेसमराइजिंग व्यूज है यहाँ पे, और बस 12 लाचला 10 किलोमीटर अराउंड रह गया है। लेक है, पता नहीं है कौन सी लेक है, बट इतनी ऊंचाई पर आके लेक देखना अच्छा लगता है। तो दिस टाइम वी रीच 12 लाचला। 4 लोग जो मैंने आपको बताया था हमारे साथ और हैं, एक है हमारा विशाल गुप्ता जी, विंदर भाई है और साहिल। तो कैसा लग रहा है भाइयों यहाँ आकर? बहुत पूरे गुप्ता जी, ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस कैसा है भाई? एक नंबर। अच्छा चौहान साहब, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँच कर?
आगे और एडवेंचर बाकी है अभी तो पैरी पैरी है पिक्चर तो भी बाकी है। ओके 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 शुरुआत है। तो यहाँ लिखा भी है बारह लाचला, हाइट भी लिखी है 4850 मीटर। तो अभी तक कुछ खाया नहीं है सुबह से, इसलिए थोड़ा सर भी दर्द हो रहा है। चौबीस तब हमें लग रहा है भूखा मार देंगे आज। शानी डाला यही है, आगे भी बॉर्डर क्रॉसिंग है पूरी। तो आफ्टर क्रॉसिंग शानी नाला, यहाँ पे हमने कुछ देर स्टे किया, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट स्नैक्स लिए और अंदर थोड़ा आधा पौना घंटा आराम किया। तो तांगलंगला है यहाँ पे अभी 110 किलोमीटर। तो होपफुली आज वो क्रॉस करते हैं, 1 बज रहा है दोपहर का। शैतानी नाला वो तो मुझे लग नहीं रहा था, ये लग रहा है। सो फाइनली वी क्रॉस दिस वाटर क्रॉसिंग। मजा आ गया भाई, मजा आ गया सच में। ताग लागला 156 और पांग यहाँ से 86 रह गया है। तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट सारचू, यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री हो रही है हमारी, आई गेस कोरोना वगैरह चेक करेंगे टेस्ट या फिर शायद रिपोर्ट्स चेक करेंगे हमारी। सारचू पहुँच कर 2 जगह हमारा चेक पोस्ट पे एंट्री करनी पड़ी हमें। कोविड रिपोर्ट तो अभी तक यहाँ पे चेक नहीं करी है, कोविड रिपोर्ट हमारी हिमाचल में एंट्री करते टाइम बिलासपुर में ही चेक हुई थी, इसके सिवा अभी तक तो कोई ऐसी चेकिंग नहीं मिली है हमें। देखते हैं लद्दाख के अंदर एंट्री करते टाइम क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो हाँ, हर जगह एंट्रियाँ रुक रुक के हमें करनी पड़ी है और इस तरीके कैंप्स भी रास्ते में, फूड स्टॉल्स भी पड़ रही हैं। ये पूरी रात खुलती हैं इसलिए कोई इशू वाली बात नहीं है, पूरी रात ये रास्ता चल रहा है अब आज की डेट में। Oh, darling.
पंद्रह पास पे पहुंच चुके हैं हम 15,547 फीट पर। तो गाइस पांग 30 किलोमीटर रह गया अभी। पांग के पास जैसा पता किया है कि पूरा प्लेन है, करीब 80 किलोमीटर का पैच पूरा टारमेक रोड डबल लाइन बनी हुई है। तो थोड़ा थक गया बिकॉज पूरा ऑफ रोड था, 12 लाचला के बाद तो हमें पूरा ऑफ रोड मिला। थोड़ा ऑल्टीट्यूड हाई है इसलिए सर भी थोड़ा दर्द कर रहा है सबका। चाय और मैगी मंगवाई है। थोड़ा मौसम हमारा साथ दे रहा है इसलिए थोड़ा हम चल भी पा रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसी के साथ लाचुंगला पास भी हमने क्रॉस कर दिया है, 16,600 फीट पर है और ये हमारा थर्ड पास है। ले यहाँ से रह गया है 190 किलोमीटर। ब्रिज के साथ हम पांग में एंटर कर चुके हैं। अब होपफुली यहाँ से रास्ते जो हैं थोड़े से बेटर मिलेंगे और टारमेक रोड मिल जाएगी हमको, तो देखते हैं। लद्दाखी फ्लैग है भाई, लद्दाखी फ्लैग है। तो गाइस पांग क्रॉस करके 2 किलोमीटर हो चुके हैं हमको। आज इस रूट का आखिरी पास जो है तांग लांगला वो शायद हमारा बचा है, तो होपफुली वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। 60 किलोमीटर्स है पांग के बाद, अभी तक तो ऑफ रोड नहीं मिली है, होपफुली आगे भी ना मिले। जैसा कि उस मैगी पॉइंट पे बताया था हमको कि पांग के बाद डबल लैंड रोड पड़ जाएगी, तो वैसा ही हुआ है और एक्सपेक्टेशन से हट के बहुत ही अच्छे प्लेन्स हैं। तो शाम के 7:30 बजे रीच तांगलांगला। बहुत ठंड है यहाँ पे और अब जो भी पहला स्टे मिलेगा हमें हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अगले ब्लॉग में आपको दिखाते हैं आगे का कहानी क्या रहती है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, एंजॉय व्हाट यू डू। सी यू गाइस।